हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। लीजिए, आपके सर हाजिर हो गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के एक और टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ इसके पहले के सारे वीडियोस आपने प्रॉपरली देखे हो, तो आपको दिखने में मजा भी आएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो आपके सर दिमाग में सवाल यही आया होगा, सबसे पहले आना भी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं डाइपोल मोमेंट। तो याद करिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, आपने पहले पढ़ा हुआ है क्या फजांस रूल। ये क्या स्टेट करता था, क्या बताता था? ये बताता था कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। क्या एक्सप्लेन करता था? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ना तो कोई कंपाउंड 100% आयनिक होता है और ना ही कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट। इसका मतलब ये कि आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होंगे। तो जैसे फजांस रूल हमें बताता था कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, क्या एक्सप्लेन करता था? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। वैसे ही डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है बच्चों? कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर। ये हमें क्या निकालना सिखाता है कि आपके कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। आपको बोला ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया, चलिए इससे हम निकाल पाएंगे कोई कंपाउंड कितना ज्यादा कोवेलेंट है, या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां से एक बात और भी आप समझ सकते हैं। कह रहा है डाइपोल, डाइपोल मतलब कह रहा है ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है जहां पे दो पोल्स डेवलप हो जाए। आप बोलोगे सर पोल्स प्लस माइनस तो आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर है, तो मैंने दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए बिटवीन एटम। पर आपको याद आ गया होगा, हाँ हाँ सर, कोवेलेंट कंपाउंड में भी ऐसा हमने देखा है, बट किसमें? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में। ये बात आपने कहाँ पढ़ी है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में। दैट मीन्स हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में ही पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वहीं पे होगा डाइपोल मोमेंट और वहीं पे हमें पता चलेगा कि इसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है और कितना कोवेलेंट कैरेक्टर। दैट मीन्स सिंपल मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके लिए डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों म्यू से, जिनके लिए म्यू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसे हैं? नॉन पोलर। वो कंपाउंड कैसे हैं? नॉन पोलर। और जिनके लिए डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वो कंपाउंड्स कैसे कहलाते हैं? पोलर। ठीक, और पोलर में ही कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे कुछ परसेंटेज में, जिनके बारे में हम आज टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो एज यूजुअल एक लंबी सांस ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर अगर हमसे पूछ ले कोई व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो हम बताएंगे क्या? तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या है? ये क्या है? पोलैरिटी है। क्या है? पोलैरिटी है। कहां पे? किसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में या मॉलिक्यूल में, जिसको हम मेजर करते हैं किसके टर्म में? डाइपोल मोमेंट के टर्म में। दैट मींस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये जो भी फंडा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, किसको ढूंढती है, किसके बारे में बताती है? ये आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में कितनी पोलैरिटी है जो ये बताए, वही क्या है? डाइपोल मोमेंट। वही क्या है? डाइपोल मोमेंट। और आपको इतने में याद आ गया होगा कि पोलर कोवेलेंट का मतलब यही था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही वही है जब कंबाइनिंग एटम, जैसे मैंने एक एलिमेंट ए लिया है, एक एलिमेंट बी लिया है, दे हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एक मान लीजिए एच है और दूसरा क्या है? एफ, फ्लोरीन। तो आपको अच्छे से पता है एच पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है, फ्लोरीन राइट साइड है, नोबल गैस के थोड़ा पहले, मतलब 17 ग्रुप है, ऑब्वियसली नोबल गैस 18 है। तो दे हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मीन्स यहाँ पे आप पोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वहां पे हम बात पोलैरिटी की करेंगे, बट ऐसा नहीं कि अगर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो वो कंपाउंड पोलर ही होगा, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जहां म्यू इक्वल टू जीरो है वो नॉन पोलर है, भले ही कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही क्यों ना हो एटम्स में, है ना, कंपाउंड्स में जो एटम उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही क्यों ना हो, और जिनके लिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है वो तो चलो है ही पोलर। तो डाइपोल मोमेंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पोलैरिटी।
दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बोला ठीक है सर, आपने बता तो दिया, तो आपने ये भी बताया सर कि जो डाइपोल मोमेंट है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। सर ऊपर एरो बना है, हमने फिजिक्स में देखा है सर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही बोला बच्चों, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के साथ साथ मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। चार्ज मैग्नीट्यूड रेखीय सर, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। ये जो भी आपका मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन, इन दोनों पे डिपेंड करती है, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे फिजिक्स आप जानते होंगे, स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, चार्ज पे नहीं, और वेक्टर क्वांटिटीज चार्ज और मैग्नीट्यूड दोनों पे, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करे वो वेक्टर क्वांटिटी, और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे वो स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने बोला डाइपोल मोमेंट क्या है, हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, और ये किसके इक्वल होती है, क्यू क्रॉस डी। सवाल आपके दिमाग में आया होगा सर, क्यू मतलब चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज है। अब मैंने अभी क्या बोला, एच और सी एल के बीच में अगर लड़ाई हुई इलेक्ट्रॉन को लेके, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो दोनों पे जो चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बच्चों, सिर्फ उनका साइन अलग होगा, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन को लेके लड़ाई हुई है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खिसक गया है, शिफ्ट हो गया उधर, तो उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो सिमिलर होगा, सिर्फ साइन डिफरेंस है। ठीक है, तो क्यू क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी आप लेना चाहें आपकी मर्जी, साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब क्रॉस करके, क्रॉस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू क्या है, डी, और डी क्या है, जिन चार्ज पार्टिकल के बीच में, जिन चार्ज पार्टिकल के बीच में आप ये कैलकुलेट करते हैं पोलैरिटी, उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट मींस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो क्या निकल के आया आपके सामने, कि म्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू डी, क्यू क्रॉस डी। ठीक, जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है वो होती है डिवाई, जनरली हम इसमें कैलकुलेट करते हैं डाइपोल मोमेंट डिवाई में, बट अगर मैं क्यू को कूलम में ले लूं, डी को मीटर में ले लूं, तो आप बोल सकते हैं कूलम मीटर भी, और अगर मैं डी को सेंटीमीटर में और चार्ज को ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के फॉर्म में ले लूं, तो उसको हम ESU सेंटीमीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही यूनिट कन्वर्जन में काफी हेल्पफुल होती है, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें मोस्ट टाइम हो सकता है आपको ESU में दे, तो आपको चेंज करना आना चाहिए। वैसे जो स्टैंडर्ड यूनिट है डाइपोल मोमेंट की, दैट इज डिवाई, एंड डिवाई का रिलेशन कूलम मीटर के साथ क्या है, 3.33 × 10⁻³⁰, और ESU सेंटीमीटर के साथ क्या है, 1 × 10⁻¹⁸। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पैर बच्चों, इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार में मार रहा हूं, आप प्लीज ध्यान रखेंगे। आपने बोला ओके सर, मुझे ये बात समझ में आ गई कि म्यू हम कैसे निकालते हैं, क्यू क्रॉस डी, क्यू क्या है चार्ज, एंड डी क्या है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जनरली हम कैलकुलेट करते हैं डिवाई में, बट हमें यूनिट ESU सेंटीमीटर एंड कूलम मीटर में भी पता होनी चाहिए, आपने बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, ओके, कैलकुलेशन वाला जो भी होगा क्यू इंटू डी से हम बता सकते हैं, लेकिन सर हमने अपने बुक में क्वेश्चन देखा है, कभी कभी कोई कंपाउंड देके पूछता है, बताइए ये पोलर होगा कि नॉन पोलर, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें। आप ध्यान से सुनिएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, बॉन्ड मोमेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों, बॉन्ड मोमेंट की। इसी से आप आइडिया लगाते हो कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या है। तो कह रहा है कि आपको जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से करते हैं। जैसे मान लो एच सी एल, ऑब्वियसली आपको पता है कि सी एल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो हम ऐसे एरो से दिखाते हैं, बीच में एरो मारते हैं, ऐसे नहीं तो किनारे कर रहे, बीच में ऐसे एरो कर दिया। ये दिखा रहा है कि ये H और Cl के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें जो बॉन्ड का मोमेंट है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा आपने बोला सर ये सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो समझ में आता है सर, लेकिन अगर मान लीजिए सेंट्रल मेटल हो, लोन पेयर हो, तब डायरेक्शन किधर होगा इस बॉन्ड मोमेंट का, तो हमेशा किसकी तरफ होता है, लोन पेयर की तरफ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एरो किसकी तरफ पॉइंट होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, एंड फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट के लिए दोनों बातें पता होंगी, आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड पोलर है या नहीं, रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल टू जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, आप समझेंगे।
जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूँ एच और एफ, तो आपने क्लियर है एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सर, आई नो, साइड में है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ठीक है सर, तो बॉन्ड मूवमेंट का जो डायरेक्शन हुआ वो इस साइड हुआ, तो ऑब्वियसली इसमें जीरो नहीं है, इसमें म्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एच एफ का कंपाउंड कैसा है, क्या बच्चों, एच एफ का कंपाउंड कैसा है, पोलर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया एनएच थ्री का, आप सोच के देखना, ये एन है और ये एच, तीन एच लगे हुए हैं, आपको लग रहा होगा सर आपने ये एनएच थ्री ऐसे क्यों बनाया, बच्चों आप पढ़ चुके हैं इस, अब ध्यान भी रखना है आपको, आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है एनएच3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल, क्योंकि अगर आप उसका सही स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे तो एग्जैक्ट बॉन्ड मोमेंट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा भाई, अगर आप पिरामिडल नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं एनएच3, ऐसे बना देते तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका मन आप ऐसे बना देते तो और गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो हमें चूंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है तो हमें ये आइडिया है कि NS3 का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल। अब जो इनका एक्चुअल ज्योमेट्री है वो यही, वहीं से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। देखिए N और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, N की, तो ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड मोमेंट इधर है, इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इधर है, इस वाले का इधर है, देखो तीन लोग का बॉन्ड मोमेंट किधर है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और आप अच्छे जानते होंगे उस दिन इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऐसे, और एन और यहाँ क्या है, ये सेंट्रल एटम है और ये क्या है, लोन पेयर, सर अभी आपने बताया हमेशा डायरेक्शन किधर होगा, लोन पेयर की तरफ, तो ये भी अपवर्ड ही जा रहा है, आपने नोटिस किया ये दोनों जो रिजल्टेंट है ये दोनों आपस में क्या हुए, जुड़ गए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, सम हो गया, तो आपने सर इसके लिए म्यू जीरो कहाँ हुआ, कैंसिल छोड़ना हुआ, पढ़ के मतलब, तो इसके लिए भी म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब NS3 भी क्या है, एक पोलर, मतलब पोलर कंपाउंड है, डाइपोल मोमेंट जीरो है नहीं है इसमें, नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मींस इट इज अ पोलर, ठीक है पक्का, एक एग्जांपल और दो, चलिए ध्यान से देखिए, अच्छा एक एग्जांपल पहले आपको बता देता हूँ, है ना, जैसे मैंने बोला CO2, आपने फटाक सोच लिया कि ऐसे कहीं भी सी और ओ को नहीं रखना है, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है sp, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, सी यहाँ रखा और ये यहाँ रखा, अच्छे से आपको पता है सी और ओ में किसका डाइपोल मोमेंट, किसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, सर ऑक्सीजन का, तो जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर, वैसे इधर वालों का क्या होगा, इधर देखिए इक्वल इधर जा रहा है और ये क्या जा रहा है, इधर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपको म्यू क्या पता चला, जीरो, कैंसिल कर दिए, सेम एटम की वजह से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली कैंसिल, म्यू इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर। तो सिंपली अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूल दूं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप उसकी ज्योमेट्री कैलकुलेट देखिए क्या है, देन एटम्स को उसी हिसाब से अरेंज करके बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गिवन मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, ठीक है। चलिए कुछ और कंपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो म्यू है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। हाँ सर, ये कब से यही तो सीख रहे हैं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही इस कंपाउंड में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा। जैसे देखो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, आपने बोला अरे सर एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ये तो क्लियर है कि सर सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब सब पोलर है, सबके पास डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन अगर मैं पूछू ज्यादा कहाँ है, तो याद रखिएगा म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जहां पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बिटवीन एटम, इसका मतलब वहां म्यू भी ज्यादा है। आप पूछे देखो म्यू इक्वल टू क्या था, क्यू क्रॉस डी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो उस डिफरेंस की वजह से जो उन पे चार्ज आया वो भी तो ज्यादा हुआ, चार्ज ज्यादा देन म्यू भी ज्यादा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। पर आप अच्छे जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 17, और ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, टॉप से बॉटम आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा गैप कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एचएफ में, दैट्स व्हाई एचएफ इज डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है बाकी कंपेयर में। आप समझ गए होंगे, बड़ा आसान था, ठीक है। आपने बोला लेकिन अगर सर मान लो दो एटम से ज्यादा हो, तो दो एटम से ज्यादा हुए तो मैंने आपको बताया रिजल्टेंट कैसे निकालना है, डायटॉमिक अलग अलग एलिमेंट्स है मतलब दे हैव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पोलर एक ही जैसे हैं, देखो दोनों एच एच, काहे की लड़ाई भाई, कोई लड़ाई नहीं, N2O2 F2,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोलों की कोई लड़ाई नहीं होगी क्योंकि दोनों ही एटम एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान दें आप मेरी बात में क्या बोल रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में मैंने आपको क्या बोला कि अगर दोनों एटम एक ही जैसे, मतलब डेल्टा ई एन क्या है जीरो, तो कंपाउंड क्या है नॉन पोलर, और अगर डेल्टा ई एन नॉट इक्वल टू जीरो है तो कंपाउंड कैसा है पोलर। सिंपल, ठीक है, चलो ये तो बड़ा सिंपल कर दिया सर आपने, चलो आगे बढ़ते मेरे भाई। अब कह रहा है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता, तो मैंने आपको बोला ही, तब आप बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट चेक करेंगे, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपका कंपाउंड कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल क्या इन्होंने लिया है, CCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल, बीच में सी लिखा चारों तरफ सीसी। अब आपको अच्छे से पता है कार्बन एंड क्लोरीन में विच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर क्लोरीन, तो ये डायरेक्शन अपवर्ड गया, ये तीनों नीचे की तरफ आए तो इनका रिजल्टेंट डाउनवर्ड गया, है ना। और चूंकि सिमिलर एटम की वजह से ये हो रहा है, हर जगह क्लोरीन ही लगा हुआ है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई जीरो, इक्वल एंड अपोजिट हो गए कट गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई जीरो, मतलब CCl4 कैसा है नॉन पोलर, कैसा है नॉन पोलर। ठीक है, बड़ा सिंपल था। फिर मैंने कहा अच्छा CHCl3 कैसा है, तो आपने फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा sp3, स्ट्रक्चर फिर से क्या होगा टेट्राहाइड्रल। सी हमने लिखा तीन क्लोरीन एक एच, अरेंज कर दिया, फिर से सी और सी एल के बीच में जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड। लेकिन इस बार नोटिस करिए सी और एच के बीच में सी का ज्यादा भैया, वो भी डाउनवर्ड, इस बार कैंसिल नहीं हुआ, इस बार दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, दैट मीन्स म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये एक पोलर कंपाउंड है। CCl4 क्या था नॉन पोलर, बट CHCl3 क्या है पोलर। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आप बातों को समझ रहे होंगे, कोई तकलीफ नहीं हुई, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके चेक कर लेना है रिजल्टेंट क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, जो आपको एक लाइन में कैसे याद रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिनकी ऐसे जिनकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होते हैं सिमिलर, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं जिनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं, या आप कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो कैसे हैं सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है और उनमें लोन पेयर नहीं है, वो सबके सब उनका रिजल्टेंट डाइपोल क्या आता है जीरो। क्या रहे बच्चों उनका रिजल्टेंट क्या आता है जीरो, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, CH4 हो गया, BF3 हो गया, IF7 हो गया, ये सबके सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, देखो इन सब के पास सिमेट्री है क्योंकि जो सेंटर एलिमेंट से लगने वाले हैं वो सबके सब कैसे एक ही जैसे एटम है, इनमें कोई आप चेक करिएगा किसी के पास लोन पेयर भी नहीं है। तो बड़ा सिंपल लाइन में मैंने आपको बताई एक बात कि मोस्टली आपको ऐसे आइडिया लग गया होगा कि जिनके पास लोन पेयर नहीं है और सिमेट्री है, उनकी ज्योमेट्री और शेप एक ही जैसा है, तो उन सब का क्या है म्यू इक्वल टू जीरो, मतलब वो सबके सब क्या होते हैं उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आता है जीरो, मतलब वो कैसे होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों नॉन पोलर। PCl5 बताई दिया, SF6 देखिए, आप रिजल्टेंट चाहे तो पॉज करके देख लीजिए रिजल्टेंट क्या आ रहा है जीरो ही आएगा, BF3 में भी क्या आएगा जीरो, सर सिमेट्री भी है लोन पेयर भी नहीं है, है ना। फिर दिमाग में आया कि सर चलिए ठीक है, मान लो एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या बेंजीन, ये भाई साहब क्या है बेंजीन, ये क्या है नेप्थेलीन, ये क्या है डाइफिनाइल, नाम फिर से ये क्या है बेंजीन C6H6, है ना, ये क्या है दो बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई तो नेप्थेलीन, वैसे तीन फ्यूज हो जाएगी सीधे सीधे, इसी का आगे एक और ऐड हो जाए उसको बोलते हैं एंथ्रासीन, क्या बोलते हैं एंथ्रासीन, वहां पर डाइपोल मोमेंट क्या है रिजल्टेंट जीरो, ये क्या है डाइफिनाइल, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या है जीरो। कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो अभी तक पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहां भी जीरो है ध्यान रखिए। ठीक है, क्यों क्यों भैया जीरो है, क्योंकि सर सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कैसे स्ट्रक्चर शो करते हैं प्लेनर, कैसा प्लेनर, ध्यान रखिएगा रीजन, अगर वही पूछे क्यों तो आप बताइएगा,
बिकॉज कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और कैसे है, प्लेनर। ठीक है, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, नीट, जेईई, हर जगह पूछा गया वाला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ NH3 एंड NF3 इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा है। तो एक लंबी सांस लीजिए, आप ध्यान से आप खुद भी कर सकते हैं। NH3 और NF3 दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, है ना, स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, बिकॉज बट एक लोन पेयर की वजह से हैं कैसे, पिरामिडल। तो आपने पहले फटाक से दोनों को पिरामिडल स्ट्रक्चर में बना लिया, ये देखो NH3 और ये देखो NF3, एक लोन पेयर है ऊपर दिखा दिया। अब आप बॉन्ड मोमेंट चेक कर लो बस, एन और एच में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, एन की। तो इन तीनों का बॉन्ड मोमेंट कहां गया, अपवर्ड। एन सेंट्रल एटम और ये लोन पेयर उधर भी कहां गया, अपवर्ड। तो दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ गए। यहां पे बात करें अगर NF3 में, तो एन और एफ में एफ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, आपने नोटिस किया इसका रिलेटेड डाउनवर्ड आया, और सेंट्रल एटम और लोन पेयर का अपवर्ड। तो आपने नोटिस किया ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एग्जैक्ट नहीं कट कर रहे होंगे ऑब्वियसली, नीचे बॉन्ड की वजह से है डाउनवर्ड, ऊपर लोन की वजह से है, लेकिन एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो कैंसिल कर ही रहे होंगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में और एड हो जा रहे हैं। तो आउट ऑफ NH3 एंड NF3, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है देन NF3। क्यों, मैंने आपको समझाया, इसीलिए कुछ चीजें मेरे पीछे छुप रही है, डोंट वरी, मैंने आपको समझाया, अभी मैं स्क्रॉल करूंगा आपको दिखेगा, अभी क्लियर हो गया। आपको ये याद नहीं रखना है कि NH3 का 1.47 होता है, NF3 का इतना नहीं, बस किसका ज्यादा है, आप बस बॉन्ड मोमेंट के रिजल्टेंट से आप कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखें फटाफट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl, आपको कहेगा अरेंज करिए डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर। तो देख भाई CCl4 तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने, सिमेट्री नो लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर, मतलब इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। चलो ये तो लिस्ट से आता है, सबसे कम यही है। अब बात करते हैं CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3 में। सबसे पहले हमने क्या उठाया है, CHCl3, ये CHCl3 का स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिए, सेंटर में क्या है, कार्बन, कार्बन और क्लोरीन में किसका ज्यादा, तो सर क्लोरीन का, मतलब इन दो क्लोरीन की वजह से जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है। कार्बन और एच में किसका ज्यादा, सर कार्बन का, ये इस डायरेक्शन में गया, और कार्बन और क्लोरीन में फिर क्लोरीन का, वो इस डायरेक्शन में गया। अब आप नोटिस कर रहे होंगे तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं, एडिशन तो नहीं होने वाला, हाँ जीरो भी नहीं होगा, बिकॉज कहीं दूसरे एटम की वजह से है, कहीं दूसरे एटम की वजह से है, तो जीरो का सवाल तो नहीं है, लेकिन लेकिन कितना होगा एग्जैक्ट निकालना मुश्किल है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दूसरे वाले में चेक करते हैं CH2Cl2 में, तो सर C और H के बीच में रिजल्टेंट कहाँ गया, इस साइड दोनों का, यहाँ C और Cl में फिर इस साइड आया, C और दूसरे Cl में इस साइड गया। सर अभी भी इससे थोड़ा ज्यादा है, ये तीनों ही अपोजिट डायरेक्शन में टहल रहे थे यहाँ पे, चलो ठीक है, आपको लग भी रहा होगा कि चलो इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर ही कहीं जाएगा और ये भी इधर ही जा रहा है, तो थोड़ा ऐड हुआ, थोड़ा क्या बच्चा ऐड हुआ इसके कंपेयर में, जबकि यहाँ क्या था, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा, तो ये इधर गया और ये इधर इधर जा रहा था, मतलब कैंसिल कर रहे थे, एग्जैक्ट नहीं है इसलिए जीरो नहीं लिखा, बट हाँ कम कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। तो जीरो के बाद फिर किसका नंबर आया, CHCl3 का, उससे ज्यादा किसमें है, CH2Cl2 में, आपने देख भी लिया जुड़ रहे हैं, और CH3Cl में सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि C और Cl का रिजल्टेंट गया अपवर्ड, C और H इन तीनों का रिजल्टेंट भी कहाँ गया, देखो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो अपवर्ड, ये भी अपवर्ड चला गया, तो ये एक साथ ही एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जा रहे हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा किसका है, CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, और सबसे कम किसका होता है, CCl4। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, अगर आपको एग्जाम देने वाले होंगे तो आपसे जरूर मुलाकात होगी इस क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब सर डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ लिया, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड है वो पोलर है कि नॉन पोलर। सबसे पहला तो एप्लीकेशन यही है कि आप रिजल्टेंट निकालिए, जिसका रिजल्टेंट प्यारे बच्चों म्यू इक्वल टू, जिसके लिए जीरो आए वो क्या है, वो नॉन पोलर, और जिसके लिए नॉट इक्वल टू जीरो आए वो क्या है, पोलर। पहला एप्लीकेशन तो बड़ा सिंपल है, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहे तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये सब के सब क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं और इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए सबके लिए म्यू इक्वल टू क्या है, जीरो। ये सब कैसे हैं, सिमेट्रिकल
नहीं है और लोन पेयर की वजह से भी, एक तो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, दूसरा लोन पेयर की वजह से इनका जो म्यू आता है नॉट इक्वल टू जीरो। आपको जो सबसे मुश्किल लगे उसी का एक बार बना के देख लीजिएगा रिजल्टेंट क्या आया, आपको खुद ही दिख जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। ये पहला एप्लीकेशन है कि आप पोलैरिटी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं जो शुरुआत से ही था कि हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना आयनिक कैरेक्टर है इन कोवेलेंट कंपाउंड, तो कैसे निकालते हैं। कह रहा है ऊपर लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नीचे लिखते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू और इनटू क्या कर देते हैं 100, है ना। या इसी को ऐसे भी बोलते हैं ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड इनटू 100, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100, ऐसे करके भी आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। कह रहा है कि आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है HCl का, ये H है भैया, ये Cl है, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 1.34 एंगस्ट्रॉम, चार्ज कितना है Q, मतलब आपको Q पता चल गया, आपको डिस्टेंस मतलब dV पता चल गया, है ना। ये ESU में और ये एंगस्ट्रॉम में, तो ESU में तो आप प्लीज इसको सेंटीमीटर में रखना ही पड़ेगा इस एंगस्ट्रॉम को, तो 1 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर या 10^-8 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में रखना, इसको ESU में, तभी तो यूनिट मैच करेगी। कह रहा है तो आपको कैलकुलेट करना आयनिक कैरेक्टर, जबकि एक्सपेरिमेंटल जो डाइपोल मोमेंट है इसका वो दिया हुआ है इतना, तो पहले क्या करो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी से, क्यू ये डी ए करके ये निकाल लो कितना आया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसको बोल रहे हैं ऑब्जर्व, और जो आपने कैलकुलेट किया वो क्या है, इसको नीचे रखा ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड इंटू 100, आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हो गया परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। बड़ा सिंपल सा भैया, कुछ नहीं करना, एक डाटा गिवन होता है, एक तुम क्यू इंटू डी से निकालते हो, जो तुम निकालते हो वो कैलकुलेट किया तो कैलकुलेटेड, जो गिवन है दैट इज ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व ऊपर कैलकुलेटेड नीचे इंटू 100 कर दिया आपका आंसर, सिंपल सा, ठीक है। कह रहा है आपको डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट एंड आइडेंटिटी इफ द कंपाउंड इज पोलर और नॉट, तो CO2 पहले ही सर बता चुके हैं, आप बता चुका पहले ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या है नॉन पोलर। चलिए फटाफट देखिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं है। PEF2 सर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, SP स्ट्रक्चर क्या आएगा, लीनियर क्या सर इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं लोन पेयर नहीं है, दैट मींस लीनियर है, देन इक्वल एंड अपोजिट, भाई इधर फ्लोरिंग में खींचा इधर का डायरेक्शन इधर इधर चला गया, इक्वल एंड अपोजिट दैट मींस जीरो, ठीक है। कह रहा है H2O में चेक करिए, तो आपने बोला सर H2O मतलब SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सर, स्ट्रक्चर कैसा होता है एंगुलर, यहाँ पे O, ये H, ये H और दो लोन पेयर भी तो होता है सर, तो लोन पेयर देखते ही आप समझ गए कि ओहो मतलब भैया जी का क्या होने वाला है, डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होने वाला, ये तो क्लियर ही हो गया, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये कैसे हैं नॉन पोलर। आप डाइप इससे भी चेक कर सकते हैं, बॉन्ड मोमेंट से भी चेक कर सकते हैं, लोन पेयर की वजह से अपवर्ड अपवर्ड तो रिजल्टेंट उधर चला गया, एच और ओ में किसका ओ का ज्यादा, तो आप नोटिस कर रहे रिजल्टेंट लोन पेयर की वजह से भी अपवर्ड था, O और H में O ने खींचा तो उसकी वजह से भी अपवर्ड है, कैंसिल नहीं हुआ ऐड हो गया, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पर H2O का कंपाउंड कैसा है पोलर, कैसा कह रहे बच्चों पोलर। कह रहा 1.4 डाइसाइनोबेंजीन, ठीक है सर 1.4 डाइसाइनोबेंजीन, फिर से वही C और N में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, N की अपवर्ड, फिर से किसी ज्यादा एन की डाउनवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, और पोलर तो है ही ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है बेंजीन रिंग का कार्बन, प्लेनर है कार्बन और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए रिजल्टेंट क्या आया जीरो, अगर रिजल्टेंट जीरो तो कंपाउंड क्या कह रहे बच्चों कंपाउंड क्या होगा नॉन पोलर। SF4 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है SP3D, इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन इसमें क्या है प्रेजेंट है एक लोन पेयर, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सीसॉ, ये देखिए सीसॉ बना हुआ है, आप थोड़ा सा अपने आप को फिगर ऐसे इसको ऐसे करके देखिए आपको दिखेगा जामली में ऐसे फंसा हुआ है और सीसॉ है ना, तो आप फिर से रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बीच में क्या है एस, बाकी क्या है एफ 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 एफ, आप खुद ही चेक कर लिए, सल्फर और फ्लोरिन किसकी ज्यादा, ऑब्वियसली फ्लोरिन की ज्यादा सर, तो इसका रिजल्टेंट इधर गया इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ गया कहीं बीच में, और ऊपर है नीचे है, तो ये तो तुम्हें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल ही हो गया, तो मतलब रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ, तो कि एक इधर गया है बॉन्ड मोमेंट, तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए कंपाउंड कैसा हो गया पोलर।
है ना, बड़ा सिंपल। आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डाउन पेमेंट करो, जो कट रहे कट दो, बाकी तुम्हें दिख ही जाएगा, सिंपल है। कह रहा है फाइंड डाइपोल मोमेंट किसका, SO3। SO3 कंपाउंड कैसा है, SP2 हाइब्रिडाइज, मतलब ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब बीच में S, बाकी तीन बोन्स O लगे हुए हैं। इन दोनों में किसका ज्यादा, O का ज्यादा, अपवर्ड गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो रिजल्टेंट आ जाएगा डाउनवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ सेम एटम की वजह से है, मतलब जीरो, जीरो मतलब नॉन पोलर बच्चा, मतलब इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या गया, नॉन पोलर। क्लियर हो, पक्का? मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करा दिए, इसीलिए आपका डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेरीज हैं जो स्कूल एग्जाम में आते हैं, वो मैंने सब करा है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप पेन कॉपी नोट्स ले बना रहे होंगे साथ में पढ़ते समय, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चे, तो मैं तो हूँ ही, इसीलिए आप मेरे तक अपनी बात पहुंचाएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या खत्म हो। ठीक है, तो चलिए, एज यूजुअल जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, कोई बीमार ना हो, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, जय श्री राधे बच्चों, टेक केयर।